The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपको खांसी आती है कभी और खांसी में आपको दिख गया ब्लड, लाल रंग का स्पूटम यानी बलगम ब्लड, तो क्या करोगे? इसे कहते हैं हीमोप्टोसिस। हीमोप्टोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि खांसी में आ रहा है ब्लड जो कि आ रहा है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस की ट्रैक से ब्लड आ रहा है। सो ब्लड या ब्लडी म्यूकस आपके थ्रोट या लंग से आ रहा है। थ्रोट से आ सकता है, गले से, या लंग से आ सकता है, फेफड़ों से। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि मुंह से खून आना, दांत से खून आ रहा है या इधर से खून आ रहा है या मसूड़े से खून आ रहा है या मुंह पेट से खून आ रहा है, वो अलग चीज है। अगर मुंह से मसूड़ों से खून आ रहा है तो वो खांसी के साथ थोड़ी आएगा, वो तो वैसे भी आएगा, है कि नहीं? सो वो अलग। अगर उल्टी में खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, दैट मीन्स इट इज हिमाटेमेसिस, एमेसिस। हिमाटेमेसिस यानी खून की उल्टी, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है खून की उल्टी। लेकिन खांसी बलगम में खून आना काफ़ी आम बात है, काफ़ी लोगों को आता है, तो उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा, कारण तो समझना पड़ेगा। कई बार खांसी में बलगम जो खून जो आता है, ब्लड आता है, बलगम में खून जो आता है वो बबली सा होता है, कई बार उसमें एयर या म्यूकस मिक्स्ड होता है और कई बार ब्राइट लाल रंग का होता है और कई बार रस्टी सा एकदम कलर का होता है। सो बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कि म्यूकस में ऐसा ऐसा लाल लाल धागे से दिख रहे हैं, स्ट्रीक्स दिख रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन मेनी मेनी थिंग्स। सो इनमें से कुछ भी केस हो सकता है। अब इसमें आउटलुक मतलब क्या कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? ज़्यादा लोगों को उस ये जो चीज़ है उसके नीचे के कारण ढूंढ के ठीक करने से ठीक हो जाते हैं। सो लेकिन जो समझने वाली बात है कि भैया डेंजरस कारण हो सकता है, खून आया बलगम में मतलब जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, छोटी बात नहीं है। तो क्या कारण है? लेकिन अगर उल्टी में खून आया तो जानलेवा बीमारी है ही है, नो डाउट, उसमें हो भी सकती है, इसमें नहीं भी हो सकती। सो क्या क्या कारण हो सकते हैं? मेनी कंडीशन, मेनी डिजीजेज, मेनी मेनी मेडिकल जो चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ टेस्ट किए जाते हैं। नंबर वन इज क्लॉट इन, सबसे डेंजरस है लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर क्लॉट आ जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जानलेवा कंडीशन है, क्लॉट, खून का थपका लंग के अंदर आ जाना। या फिर दूसरी चीज है खाने की चीज़ लंग में घुस जाना, राइट? एस्पिरेशन, पल्मोनरी एस्पिरेशन, खाने की पीने की चीज़ जो खाने की पाइप में जानी चाहिए लंग की पाइप में चले गई, राइट? या फिर मान लो अभी कोई ऑपरेशन जैसा कुछ किया आपने, लंग में प्रोसीजर किया, लंग में कोई ट्यूब डाली है, ब्रोंकोस्कोपी करी है, तो उसके साथ बायोप्सी करी है, तो थोड़ा बहुत खून आ सकता है कभी कभी, वो नॉर्मल। ब्रोंकियेक्टेसिस, अगर अंदर ब्रोंकस ही पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रोनिक लंग की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन है, तो अंदर इन्फ्लामेशन में कभी कभार ब्लड आ सकता है। लंग कैंसर में ब्लड आ सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, बच्चों की बीमारी है जिसमें लंग का ब्लड आ सकता है। वेस्कुलाइटिस, लंग के अंदर आपकी खून की नसें हैं उनमें इन्फ्लामेशन या उनमें इंजरी भी हो जाए तो भी, राइट? और अगर मान लीजिए आपके गले में, ऊपर गले की साइड में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही खांसी कर रहे हो, वॉयलेंट कफ, भांग भांग, उससे भी इंजरी की वजह से कुछ थोड़ा मात्रा में ब्लड आ सकता है। निमोनिया में, लंग इन्फेक्शन में ब्लड आ सकता है। पल्मोनरी एडिमा में ब्लड आ सकता है, बहुत ज़्यादा पल्मोनरी यानी फेफड़ों में पानी भर रहा हो, सिस और इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस और एसएलई, ट्यूबरक्लोसिस एसएलई में ब्लड आ सकता है, याद रखिएगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं ब्लड आने के आपके लंग में। सो दैट इज वन। फिर करोगे क्या, करोगे क्या अगर ब्लड आ जाता है आपके लंग में? तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, आपको समझना है कुछ चीज़ें कि कफ, अगर खांसी हो रही है तो खांसी को आपको सप्रेस करना होगा। अगर खांसी हो रही है तो कफ सप्रेसेंट्स लेने से, कफ सप्रेसेंट्स लेने से आपका खांसी और हैवी कफिंग कम हो जाएगी। उससे हो सकता है
कि आपके ये दिक्कत सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसी बात ध्यान रखिए कि ये डेंजरस स्टेप भी हो सकता है। खांसी से कफ स्टॉप हो जाता है, लेकिन एयरवे ब्लॉक हो सकता है अगर वहां अंदर ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि नॉर्मली आपके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो खांसी आपके अंदर फंसे हुए ब्लड को बाहर निकाल रही है, और अगर आप उस खांसी करने की जगह खांसी को सिर्फ दबा रहे हो, कफ सप्रेसेंट ले रहे हो, तो आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर खांसी में ब्लड आ रहा है तो कफ सप्रेसेंट नहीं लेना, नंबर वन। दूसरा, अपने ब्लड जितना आ रहा है उसका ट्रैक करें कि भाई कितना ब्लड आ रहा है, एक बार खांसने से कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ब्लड बढ़ता जा रहा है, या थोड़ा भी ब्लड आ रहा है, तो कायदे से जाके पहले चेकअप कराएं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चेकअप होगा, क्यों जाएंगे भाई? सिंपल है, ब्लड आ रहा है, एक चम्मच की जितना ब्लड आ रहा है या एक दो बूंद, ज्यादा बूंद आ रहा है तो जाओ। पेशाब में, लैटरिन में ब्लड आया, छाती में दर्द हुआ, चक्कर आया, बुखार आया, या फिर सांस फूल रही है, तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर क्या करेगा, हिस्ट्री लेगा, कितना ब्लड, कितने दिन से बुखार, खांसी, बलगम, छाती चेक, ये वो एग्जामिनेशन करेंगे, और उसके बाद आपके करेंगे टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? खून आया अगर बलगम में तो ब्रोंकोस्कोपी, छाती का एक्सरे सीबीसी, सीटी स्कैन छाती का ये किया जा सकता है, स्पूटम, स्पूटम एग्जामिनेशन और कल्चर किया जा सकता है, और ब्लड क्लॉटिंग पीटी एपीटीटी, क्लॉट कोएगुलेशन प्रोफाइल किया जाता है लंग के। फिर स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे अगर लंग स्कैन बात करें, पेट स्कैन, लंग की पल्मोनरी एंजियोग्राफी, या फिर लंग की ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी, ये सब भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। तो अभी आपने क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको हेमाटोसिस यानी ब्लड आ रहा है स्पूटम में, ब्लडी स्पूटम है, सो यू नीड चेकअप। ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द कारण। कारण नहीं पता तो काहे का ट्रीटमेंट, राइट? फ्री फालतू की दवाइयां नहीं लेनी, कफ सप्रेशन नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। अपनी जान प्यारी है तो जान को बचाइए और पंगे मत लो, ठीक है? गो एंड गेट इवेल्युएटेड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ब्लड इन स्पूटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक कनेक्टेड।